शांतिनगर पुलिस स्टेशन के हद में एक डेढ़ महीने में मोटरसाइकिल चोरी और रिक्शा चोरियों की जो ऑफेंस है वो काफ़ी रजिस्टर हुए थे। उसी के तहत माननीय सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, एडिशनल सीपी सर के मार्गदर्शन में उन्होंने कुछ हमें इंफॉर्मेशन या कुछ मार्गदर्शन किया था। उसी के तहत हमने यहाँ पे हमारे भिवंडी जोन में वो मोटरसाइकिल डिटेक्शन के लिए एक अलग तरह से स्क्वाड बनाया था और उसकी जिम्मेदारी हमारे डिटेक्शन के शांतिनगर की जो टीम है एपीआई महात्रे और उनके सभी स्टाफ उनको दी थी। उसी के तहत उन्होंने एक अच्छी कामगिरी की है। उसमें से अब तक उन्होंने टोटल 18 व्हीकल जब्त किए हैं। उसमें से 14 मोटरसाइकिल टू व्हीलर है और 4 ऑटो रिक्शा है और टोटल 18 व्हीकल्स हमने सीज किए हैं। उसमें अब तक 17 जो गुने हैं वो उगड़ की आए हुए हैं और उसमें से अराउंड शांतिनगर के 11 गुने हैं और नारपोली के 1 गुना, निजामपुरा पुलिस स्टेशन के 3 गुने मोटरसाइकिल चोरी के, भिवंडी तालुका का 1 गुने, ऐसे तकरीबन 17 गुने जो है उसको डिटेक्शन हुआ है और उसमें तकरीबन 790,000 का जो मुद्देमाल है वो सीज किया हुआ है और अब तक 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उसमें से एक मालेगांव का है जो भिवंडी के हैं और आगे भी उसकी जांच चालू है। इसमें और भी आरोपी होने की संभावना है, उसमें और भी जो मोटरसाइकिल और रिक्शा है वो सीज होंगे। आप तक तो जो पकड़े हुए उनके ऊपर कोई पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो चेक कर रहे हैं, अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके तहत आगे की जानकारी होगी। जनरली वो शॉप के सामने कोई कस्टमर गाड़ी लगाता है या किसी पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाता है या रात के समय कहीं पे होटल के सामने किसी शॉप के सामने गाड़ी लगा के कस्टमर जाते हैं, तो ये वही रात में 2-3 लोग ढूंढते थे, वही गाड़ी को आइडेंटिफाई करते थे और वही गाड़ी को चुरा के फिर वो मालेगांव लेके जाते थे और वहीं पे वो कस्टमर को बेच देते थे। अभी तो कोई मतलब मोटरसाइकिल चोरी की गैंग ही है, इसमें अब तक 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है और भी उसमें आरोपी है वो भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे वाले भी जो आरोपी है उनको ही हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। और दूसरा एक इसमें भिवंडी शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक अच्छा डिटेक्शन हुआ है जिसमें हमने 2 आरोपियों का पकड़ा है और 8 मोबाइल उसमें से सीज किए हुए हैं और तकरीबन 1.5 लाख का मुद्देमाल जब्त किया है। उसमें भी शांतिनगर डिटेक्शन के जो ऑफिसर और टीम है उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी एक चोरी के जो मोबाइल है वो बेचने के लिए वो सस्पेक्ट है वो यहाँ पे आ रहे हैं, उसके तहत हमने वहाँ पे छापा मारा और उसके तहत 8 मोबाइल और जो मुद्देमाल है वो सीज किया हुआ है। उसमें भी 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक उल्लासनगर का है, दोनों मतलब उल्लासनगर में ही रहने वाले हैं, उसमें से एक जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक 18/2/2023 को एक घरपोड़ी का मामला दर्ज हुआ था, उसी के तहत उसमें तकरीबन 3 लाख का मुद्देमाल चोरी हुआ था। उसी के तहत सीनियर पीआई कुंभारवाड़ा उसके डिटेक्शन की टीम उन्होंने उनकी 2 महीने से वो कोशिश कर रहे थे और उनको एक इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस के तहत उन्होंने एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया हुआ है और उसमें तकरीबन 3.25 लाख का मुद्देमाल जो है जब्त किया हुआ है और उसमें कुछ कैश, नगद कैश और कुछ गहने हैं वो भी जब्त किए हुए हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।